हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिग्नेचर ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ सीटीएम शेयर करने वाले कि सीटीएम करते कैसे हैं, सीटीएम होता क्या है और सीटीएम हमें कैसे करना चाहिए, सीटीएम में जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि सीटीएम होता क्या है और सीटीएम को करते कैसे हैं, सीटीएम हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जी हाँ, सीटीएम हमें ज़रूर करना चाहिए और सीटीएम हमारे फेस के लिए अच्छा बहुत होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सी का मतलब होता है क्लिंजिंग और ट्यू का मतलब होता है टोनिंग, एम का मतलब होता है मॉइस्चराइजिंग, जो हमारे फेस पे करना चाहिए। अगर आप वैसे बहुत लोगों को मालूम भी होता, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा तो भी वो सीटीएम करते हैं, लेकिन उनको सीटीएम के बारे में मालूम नहीं होगा क्योंकि क्लिंजिंग अपने फेस पर करते ही हैं। जब हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता तो हमें अपने फेस को क्लीन करने के लिए क्लिंजिंग मिल्क का यूज करना होता है, तो जिसे इसी को हम सी बोलते हैं। सी का मतलब होगा क्लिंजिंग, जिसे हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं और क्लीन किया जाता है। और उसके बाद में आता है टी, टी का मतलब होगा टोनिंग, टोनिंग से अपने फेस को टोनिंग करते हैं, यानी टोनर होता है, तो टोनर से अपने फेस को अच्छे से टोनर करते हैं, जिससे हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं मिनिमाइज हो जाते हैं और स्किन ग्लो करने लगता है। और थर्ड नंबर पर आता है यम, यम का मतलब हो गया मॉइस्चराइजिंग, जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पेची सी लगने लगती है, तो हमें लगता है कि हमें अब कोई मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए जिससे हमारी स्किन ग्लो करे और बहुत लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखे, इसी को हम बोलते हैं यम का मतलब मॉइस्चराइजिंग। तो बस यही हो गया हमारा सीटीएम, सी मतलब हो गया क्लिंजिंग, टी का मतलब हो गया टोनिंग और यम का मतलब हो गया मॉइस्चराइज, इसी को हम बोलते हैं सीटीएम। तो चलिए सीटीएम क्या होता है, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, हम करके दिखाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मुझे अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, तो मैंने क्लीन करने के लिए यहाँ पर लिया हुआ क्लिंजिंग मिल्क, आप देख सकते हो, आप कोई भी क्लिंजिंग मिल्क ले लो, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए मैं अपने फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी आप सीटीएम करते हो या आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप में आप मेकअप अगर आप पहले से किए थे अपने फेस को, अगर मेकअप को रिमूव कर रहे हो तो भी आपको सीटीएम करना चाहिए, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, नहीं तो आपके फेस इसकी बहुत ज़्यादा डल हो सकती है और दाने हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सके हैं, क्योंकि वो मेकअप किए रहते हैं, तो मेकअप के उतारने के बाद अगर हम अपने फेस पे सीटीएम नहीं करते तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने फेस को जब भी आप क्लीन करें, अब जब भी आप मेकअप उतारें, आप कहीं जा रहे हो, कहीं आए हो, कहीं जाने वाले हो, तो भी आपको कर लेना चाहिए सीटीएम। सीटीएम से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे हो चुका है, मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसे मसाज करके अब इसको क्लीन कर दूँगी अच्छे से ना। आप कॉटन की मदद से भी क्लीन कर सकते हो अच्छे से। फ्रेंड्स, अपने फेस को जब भी आप क्लीन कर रहे हो तो अपने फेस को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए, और जितने भी आपके स्किन में अगर आपने मेकअप किया हुआ है या आपकी धूल मिट्टी जितने भी कुछ है तो आपके फेस से अच्छे से निकल जाएंगी। तो आप देखना, अगर आप क्लिंजिंग मिल्क को अच्छे से मसाज करने के बाद कॉटन से अच्छे उसे क्लीन करते हो तो आपके फेस में जो आपको क्लीन कितना दिखेगा आपका फेस। और तो चलिए मैं दिखा देते रही हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा स्पंज कितना ब्लैक ब्लैक हो चुका है, क्योंकि कितने सारे आपको दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक। तो मेरा फेस अभी क्लीन हो चुका, अब मैं क्या करूँगी, इसमें लगाऊँगी टोनर। तो मैंने टोनर के लिए यहाँ पे लिया हो, आप देख सकते हो आयोर का टोनर है ये। तो आप चाहो कॉटन ले सकते हो, कॉटन की मदद से अच्छे से लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपने इसमें हथेली में थोड़ा सा निकालूँगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, और इसमें अपने फिंगर से इस तरीके से लगा लूँगी, देख सकते हो। अब अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप इसकी जगह पे रोज़ वाटर भी ले सकते हो, रोज़ वाटर भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर ले, लेकिन ये सब टोनर आपको मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि ये आयुर का है, इसका जो रेंज है बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ का आता है, तो आप इसे ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा फेस कैसा दिख रहा है आप लोग को। अब थर्ड जो मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पे, तो मैं अब लूँगी इसके बाद में मॉइस्चराइजर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब लगाऊँगी, देख सकते हो इस तरीके से ये है, अब इसको मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी अपने फेस पे, है ना, दिखा दे रही हूँ, बहुत ही थोड़ा मैंने लिया हुआ है इस तरीके का, अपने फेस पर अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। तो बस आपको इसी तरीके से लगा लेना अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर को, है ना, लास्ट में आपको मॉइस्चराइजर लगाना है।
तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ग्लोई और क्लीन दिखने लगा है, क्योंकि मैं अपने स्किन पे हमेशा सी टी एम करती रहती हूँ। सुबह में, मॉर्निंग में भी करती हूँ और नाइट में सोने से पहले भी करती हूँ। तो अगर आप भी अपने स्किन का ऐसे ही केयर करोगे तो आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनिंग और ग्लोई दिखेगी। क्योंकि अगर आपको अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए सी टी एम। सी टी एम हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप मेकअप करते हो तो मेकअप करने से पहले आपको सी टी एम करना चाहिए, या आप मेकअप करने के बाद मेकअप को रिमूव करते हो तो भी आपको सी टी एम करना चाहिए। सी टी एम करने से आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा कभी डल नहीं दिखेगी, फाइन लाइंस नहीं आएंगे और आपके स्किन में डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है आँखों के जो नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई, सॉफ्ट और शाइनिंग लगेगा। तो प्लीज़ आप अपने स्किन का अगर केयर करना चाहते हो तो आपको सी टी एम ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत से लोग जिनको पता नहीं होगा कि सी टी एम क्या होता है और सी टी एम कैसे करते हैं, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया सी टी एम इसी को कहते हैं और सी टी एम इसी तरीके से किया जाता है। आप अपने, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसे ले सकते हो, क्लिंजिंग मिल्क ले सकते हो, टोनर ले सकते हो, और आपके पास जो मॉइस्चराइजर होता है आपकी कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो जो आपके पास हो। तो इसी तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ग्लो है। तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा रहे हैं, तो जिसको करना वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, घर बैठे ही आसानी से आराम से ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन का जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठा पाएँ। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।